नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सोम एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। एसिक्स एमटीएस मेंस पेपर जो आपका 5 जून 2022 को संपन्न हुआ है, उसका हल लेकर के हम आपके सामने हाजिर हैं। और सबसे ज़्यादा क्वेश्चनों को हमने जो है, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम था, शामिल किया है। अभ्यर्थियों से पूछकर काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है, तो सभी लोग जो है कमेंट्स में प्रतिक्रिया भी दें, और जो क्वेश्चन एक दो गलत टाइप हो चुका होगा तो आप उसको भी जो है ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर क्वेश्चन की शुरुआत में लेते हैं पहला क्वेश्चन। तो भारत में पंचायती राज के जो स्तर हैं वे कितने हैं? तो यहाँ पर जो है 3 स्तर होते हैं पंचायती राज के, ये आपका सही आंसर होगा। जमशेदपुर किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो जमशेदपुर जो शहर है वो है स्वर्ण रेखा नदी के किनारे पर स्थित। काफ़ी ईजी क्वेश्चन अगले वाला है। जय जवान और जय किसान का नारा किसके द्वारा दिया गया? तो ये भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री जी, उन्होंने ये नारा दिया था। सरदार सरोवर बांध जो काफ़ी प्रसिद्ध है, ये है आपका नर्मदा नदी पर, यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था। वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? और इसमें देखिएगा काफ़ी समय से ये हैं अजीत डोभाल। लोक नायक के उपनाम से किसको जाना जाता था? तो ये है आपका जयप्रकाश नारायण। हैरी पॉटर के लेखक पूछे गए थे, तो इसके जो लेखक हैं वो हैं जेके रोलिंग, इसका राइट आंसर होगा जेके रोलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइक्लोन 7 निम्न में से किस राज्य को प्रभावित करता है? तो इसमें जो ऑप्शंस दिए गए थे उसके अनुसार इसका सही आंसर बैठता है पुरी। अगला क्वेश्चन है, SBI का चेयरमैन कौन है? SBI के महानिदेशक हैं दिनेश कुमार खरा। 2021 के विंबलडन चैंपियन कौन बना? तो एसले बर्टी जो यहाँ पर खिलाड़ी हैं, उन्होंने ये प्रतियोगिता जीती। पर्यटन दिवस कब मनाते हैं, कब सेलिब्रेट करते हैं? तो 30 जनवरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ताजमहल किसकी याद में बनवाया गया? तो काफ़ी ईजी है, ये है मुमताज, ये आपकी जो है सही आंसर होगा। कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो ऑप्शंस में जो राज्य दिए गए थे उनके अनुसार उड़ीसा ही ऐसा राज्य है जहां से कर्क रेखा नहीं गुजरेगी। पानीपत की प्रथम लड़ाई का आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये 1526 में आपकी हुई थी। राफेल का निर्माण मुख्य रूप से किस देश के द्वारा संबंधित है, या किस देश से राफेल का निर्माण हो रहा है, राफेल का संबंध किस देश से है? तो फ्रांस इसका राइट आंसर हो जाएगा। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति या शिक्षा की प्राप्ति कहाँ से हुई? तो ये है बोधगया स्थान, वहाँ पर उनको जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई। दिलवाड़ा का जो मंदिर है किस धर्म के लिए प्रसिद्ध है? ये है आपका दिलवाड़ा का जैन मंदिर, तो जैन धर्म से ये आपका प्रसिद्ध है। निम्न में से कोयला पाया जाता है? तो ऑप्शंस के अनुसार जो उनमें सही आंसर बैठता है वो है रानीगंज। MSP का अर्थ पूछा गया था, यानी कि इसकी फुल फॉर्म पूछी गई थी, तो इसका फुल फॉर्म जो होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, अर्थात न्यूनतम समर्थन मूल्य, इसका सही आंसर हो जाएगा। स्पुतनिक डोज किस देश की है, या किस देश ने इसका निर्माण किया है? तो ये है आपका रूस, रूस ने कोरोना के लिए जो स्पुतनिक डोज का निर्माण किया था। 2014 में मन की बात का प्रसारण कौन सी रेडियो पर हुआ था? तो ये था आपका ऑल इंडिया रेडियो। फूलों की घाटी स्थित है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार परीक्षाओं में आता है, तो चमोली उत्तराखंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। चंद्र ग्रहण की घटना कब घटित होती है? तो ये देखिएगा पूर्णिमा के दिन घटित होती है, और ये जो घटना है जब पृथ्वी और चांद होते हैं, उनके पृथ्वी जो है चांद और सूरज के बीच में आ जाती है, तो ये घटना जो है चांद दिखना कम हो जाता है, चंद्र ग्रहण की घटना हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो पर हम आपके लिए लेकर आए हैं, तो वह है ट्रेन गार्ड का नया नाम क्या है? तो ट्रेन गार्ड को जो है ट्रेन मैनेजर के नाम से अब जो है जाना जाता है। UPI में U का फुल फॉर्म पूछा गया था, तो सही आंसर है यूनिफाइड, इसका राइट आंसर है। शतरंज का खिलाड़ी निम्न में से नहीं है, तो उसमें जो आंसर दिए गए थे उसके अनुसार डेल स्टेन जो है ये क्रिकेट का खिलाड़ी है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। जूलियस सीजर ये काफ़ी प्रसिद्ध उपन्यास है, तो इसके लेखक कौन थे ये पूछा गया था, तो शेक्सपियर ने ये लेखक की रचना काफ़ी समय पहले की थी, तो शेक्सपियर इसका जो है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट जो लेखक पूछा गया है द जंगल बुक के,
ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और जो इसका राइट आंसर होगा रुडयार्ड किपलिंग। योजना आयोग का नया नाम क्या है? तो नीति आयोग के नाम से इसको जो है अब जाना जाता है, और मोदी जी ने इसका नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया था। चंद्र ग्रहण के बारे में हम आपको बता चुके हैं कि पूर्णिमा के दिन होता है। MSP न्यूनतम समर्थन मूल्य। भारत की टीम का पहला टेस्ट मैच का कप्तान कौन था? तो सही आंसर हो जाएगा CK नायडू। तो दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो हमारे द्वारा इस पेपर के कलेक्ट किए गए छात्रों से। यदि इनमें किसी में भी क्वेश्चन में कोई त्रुटि है तो आप जो है कमेंट्स में बताइएगा। अगले वीडियो में हम इसका जो कट ऑफ है उसका एनालाइज छात्रों से कर रहे हैं, कितने क्वेश्चन किसने किए हैं, तो उसको लेकर के आएंगे आपके बीच बिल्कुल सटीक विश्लेषण के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद, जय भारत।